हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ड्रीम। यूपीएससी ड्रीम पर आपका हार्दिक स्वागत है और आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ शुरू करेंगे 22 और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया किसी वजह से, इसलिए कल और आज का करंट अफेयर्स मैं एक साथ ही अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के लास्ट में आपको एक खुशखबरी भी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पत्रकार हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी रही है। पत्रकार जमाल खशोगी, इनका नाम है जमाल खशोगी, ये वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाले पत्रकार हैं। वाशिंगटन पोस्ट जो अखबार है उसके लिए काम करते हैं और इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई और इसी के रिगार्डिंग इनके बारे में चर्चा चल रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनका नाम पत्रकार जमाल खशोगी और ये वाशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए कार्य करते थे। बाकी इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी अपन रिहर्सल करेंगे, इनका रिवीजन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने कुछ पहले भी करवाए हैं, अब अपन इनका रिवीजन करेंगे। ये लिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये अलग से तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार दिया गया है प्रेमा गोपालन को, प्रेमा गोपालन। नेक्स्ट, अनुमोलू रामकृष्ण की जीवन कथा बिल्डिंग ए लेगेसी के लेखक कौन है? बिल्डिंग ए लेगेसी ये पुस्तक है, इसके लेखक है वी पट्टाभिराम, वी पट्टाभिराम। भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जूनियर सुल्तान जौहर कप हॉकी 2018 को किस टीम ने जीता? ग्रेट ब्रिटेन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान मैंने आपको बताया था 103वां। नेक्स्ट, किस राज्य की शाही लीची को विशिष्ट भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? ये मैंने आपको बताया है और GI टैग के बारे में मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो अलग बनाया है वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो ये बिहार की लीची है, शाही लीची, जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है। विश्व ट्रॉमा दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। युवा ओलंपिक्स 2018 में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? सूरज पंवार ने जीता। हाफ द नाइट इज गॉन, हाफ द नाइट इज गॉन पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ बागची, अमिताभ बागची। काल्पनिक रचना के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? यह है एना बर्न्स, एना बर्न्स, इनको मिल्कमैन के लिए दिया गया है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि एना बर्न्स है वो कहाँ की हैं, एना बर्न्स किस देश से? नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स आज के। डेनमार्क ओपन, ये जो डेनमार्क ओपन हुआ है बैडमिंटन के लिए, इसके अंदर साइना नेहवाल को फाइनल मुकाबले में ताई यू जिंग ने हरा दिया है, ताई यू जिंग ने हराया साइना नेहवाल को। तो इसके अंदर जो विजेता है वो है ताई यू जिंग, ये ताइवान की है, और उपविजेता साइना नेहवाल जो भारत की है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है पंडित विश्व मोहन भट्ट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पंडित विश्वमोहन भट्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप वीडियो पूरा देखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं आगे। कोप इंडिया वायु अभ्यास में भारत और अमेरिका के साथ अब कौन सा देश शामिल होगा? कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है जो एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, ये 3 देशों की एयरफोर्स है जो वायुसेना वो मिलकर करती हैं, उनमें जापान इसमें शामिल होगा, जापान, अमेरिका और भारत, ये 3 देश होंगे। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि भारत, अमेरिका और जापान के मध्य और कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? भारत,
अमेरिका और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है, कमेंट करके बताइए, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट, भारत का पहला घरेलू क्रूज अंग्रिया, नाम याद रखना, अंग्रिया मुंबई और किस राज्य के बीच शुरू हुआ है। ये भारत का पहला घरेलू क्रूज होगा जो शुरू हुआ है मुंबई और गोवा के मध्य। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अलकनंदा क्रूज कहाँ से शुरू हुआ था, अलकनंदा क्रूज कहाँ से शुरू किया गया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान के ओसामू सिमोमोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको 2018 में किस विषय में नोबेल प्राइज मिला था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ओसामू सिमोमोरा को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 21 सितंबर को मैंने आपको बताया था पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया है। तो इस दौरान क्या हुआ, देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए किस नेता के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। यह है सुभाष चंद्र बोस, और इस दौरान उन्होंने पुलिस स्मृति म्यूजियम का भी शुभारंभ किया चाणक्यपुरी दिल्ली में। नेक्स्ट, एक हरिकेन की बात करते हैं जिसका नाम है विला, हरिकेन विला, तूफान विला किस देश के प्रशांत तट पर तीव्र होता जा रहा है। तो यह है मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर तूफान विला का प्रकोप देखा जा सकता है, इन दिनों में काफी चर्चा में रहा है ये। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के पास चार हिमालयी चोटी के नाम किस राजनीतिज्ञ के ऊपर रखे गए हैं। तो ये रखे गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आप बता सकते हैं कि अटल बिहारी का निधन कब हुआ था, और इसके साथ साथ में कमेंट करके ये भी बताइए कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। और साथ में आपको बता दूं कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है वो है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित हैं यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट, मोटोजीपी विश्व चैंपियन 2018 का खिताब किसने जीता। ये मोटरसाइकिल की रेस होती है और ये जो जीतने वाले रेसर हैं इनका नाम है मार्क मार्केज। ये सिर्फ 25 वर्ष उम्र के हैं, इनकी उम्र है 25 वर्ष। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी का पुल किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा। यह पुल असम के धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा। तो यह बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर पिछले वर्ष भी बनाया गया था, जो ढोला को सदिया से जोड़ता था, ढोला सदिया पुल जिसको बोला जाता था, वो सबसे लंबा नदी पुल था उस समय, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। उसकी लंबाई 9 किलोमीटर और ये जो बनेगा अब धुबरी से फुलवारी को जोड़ने वाला, इसकी होगी 19.3 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 तक हस्तशिल्प निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात मोदी सरकार ने कही है। ये हस्तशिल्प निर्यात 50% निर्यात करने की बात कही है, वर्तमान में 35% निर्यात किया जा रहा है। उसके बाद आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस टॉपिक पर, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होने वाले हैं। ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और इनको थोड़ा सा और अधिक अच्छा बनाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। कुछ खिलाड़ी हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनकी बात करते हैं। ढिंको सिंह, ये जो ढिंको सिंह है बॉक्सिंग, मणिपुर के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग में खेलते हैं ये। फिर देवेंद्र सिंह, ये भी बॉक्सिंग से हैं, मणिपुर के। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग मणिपुर से हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन है। संजीता चानू वेटलिफ्टिंग मणिपुर। सरिता देवी, ये बॉक्सिंग से हैं, मणिपुर की। कल्पना देवी, ये जूडो खेलने वाली हैं, मणिपुर से, जूडो। इसके साथ कल्पना देवी के साथ साथ एक और हैं, तबाबो देवी,
वो भी जूडो खेलती हैं। कुंजरानी देवी ये वेटलिफ्टर हैं, वेटलिफ्टिंग करती हैं। मैरी कॉम ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है बॉक्सिंग मणिपुर। बोम्ब्याला देवी ये आर्चर हैं, आर्चर मणिपुर से हैं। सोमदेव देवर्मन ये त्रिपुरा के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब तो संन्यास ले लिया है। बांगचुंग भूटिया हैं सिक्किम से, फुटबॉल खेलते हैं। शिवा थापा फ्रॉम असम, ये असम से बॉक्सिंग करते हैं। अंशु जमसेनपा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 5 दिन में 2 बार, 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ये माउंटेनियरिंग करती हैं, अरुणाचल प्रदेश से। चेरकोवालू स्वेरो ये आर्चरी नागालैंड से हैं। जेरेमी लालिरुंगा वेटलिफ्टिंग मिजोरम। हिमा दास एथलेटिक्स असम से हैं, ये 400 मीटर रेस करती हैं। दीपा कर्माकर ये त्रिपुरा जिम्नास्टिक है। नेक्स्ट अनकुशिता बोरो ये बॉक्सर हैं असम से। अनकुशिता बोरो बॉक्सर असम से हैं। और एक तो इनमें ध्यान रखने वाली बात, ये जो खिलाड़ी हैं इनका थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और किस राज्य से है। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो।